मेरे साथ मेल बिहार। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के मोस्ट हैंडसम और डैशिंग राजनेता की। जी हाँ, राजनेता शब्द जब भी हमारे दिमाग में या जहन में आता है तो हमारे अंदर एक खाकी वर्दी वाला इंसान सामने आता है जो कि बहुत ही सिंपल रहता है। पर आज हम जो बिहार के मोस्ट हैंडसम राजनेता की बात करने जा रहे हैं वो हमेशा से अपने लुक्स के लिए जाने जाते हैं। लुक्स के ना ही वो सिर्फ बिहार में जाने जाते हैं बल्कि उन्होंने अपने लुक्स के लिए मुंबई में भी नाम बनाया। जी हाँ, हम दिग्गज नेता रामविलास के बेटे चिराग पासवान की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने राजनीति से पहले मुंबई जाके अपने फिल्मी करियर पे भी ध्यान दिया था। वो उनकी पहली फिल्म कंगना रनौत के ऑपोजिट थी। आज देश में कई ऐसे युवा नेता हैं जो एक भारतीय नेता के पारंपरिक छवि से इतर अपने मॉडर्न लुक और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। इसमें से नाम आ रहा है सबसे पहले बिहार के राजनेता चिराग पासवान का। जी हाँ, डैशिंग, हैंडसम, गोरा चिट्टा, लंबा तगड़ा, बिल्कुल हीरो। इससे बात करो या इसे सुनो तो बस फिदा हुए बिना नहीं रह सकते। बेहद विनम्र, शालीन, संस्कारी, पढ़ा लिखा, फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला ये लड़का है चिराग पासवान। इसमें से अगर एक भी क्वालिटी किसी बिहारी लड़के में हो तो वो दिल्ली या मुंबई की ट्रेन पकड़ने में जरा भी देर नहीं लगाता। चिराग की उम्र भले ही कम हो, राजनीति के हिसाब से इस कच्ची उम्र में सियासी बयान किस और बह रही है ये पहचानने की अद्भुत कला चिराग में आ गई है। चिराग अगर अपनी सहनशीलता, आत्मविश्वास को बनाए रख पाने में कामयाब रहते हैं और सबसे बड़ी साफ सुथरी अच्छी इमेज को बरकरार रखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य के बिहार में चिराग लालू नीतीश की भूमिका में दिखेंगे। यूं तो फिल्मों में लक आजमाने के बाद ही राजनीति का रुख किया चिराग पासवान ने, ऐसे में उनके लुक और स्टाइल के बारे में क्या कहना। वैसे चिराग अभी तक के बिहार के सबसे हैंडसम राजनेता माने जाते हैं। अपने असफल फिल्मी करियर के बाद इन्होंने अपने पिता के बताए अनुसार राजनीति की राह पकड़ ली। ऐसे देखना ये होगा कि इनका लक कितना काम करता है। बॉलीवुड में खास नाम नहीं बनाने के बाद चिराग ने यूं तो रुख राजनीति की ओर जरूर मोड़ लिया, लेकिन आज वो बिहार के मोस्ट हैंडसम राजनेताओं में से आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करो। बाकी की तमाम खबरों के लिए मेल बिहार के साथ बने रहें।